हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है क्या होता है? एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको हमने रीड करना होता है अच्छे से, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसके हमने आंसर देने होते हैं वो पैराग्राफ में से। ओके, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरा जो पैराग्राफ या स्टोरी या जो भी दिया होता है तो उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन के आंसर्स आप कर पाएंगे। ओके, सो हम ये आज पढ़ेंगे। ये स्टोरी है, किसकी स्टोरी है? हेयर की एंड टॉर्टोइस की। अब हेयर क्या होता है? हेयर खरगोश, जिसको रैबिट जिसको बोलते हैं। ओके, तो एच ए आई आर और एच ए आर ई दोनों अलग वर्ड हैं, प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन एच ए आई आर जो होता है वो बाल होते हैं, हेयर, और ये वाला एच ए आर ई का मतलब होता है रैबिट। ओके, तो ये एक रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी है, ये आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी, तो हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। वंस अ हेयर मेड फन ऑफ अ टॉर्टोइस। He said, "You move so slowly. You will never get far." क्या हुआ? खरगोश ने, रैबिट ने एक बार बहुत मजाक उड़ाया टॉर्टोइस का कि तुम कितने स्लो हो, तुम तो कभी दूर तक जा ही नहीं सकते। The tortoise became upset and said, "Let's have a race and see who is faster." फिर टॉर्टोइस बहुत अपसेट हो गया, बहुत दुखी हो गया। उसने क्या बोला खरगोश को, रैबिट को, कि चलो एक रेस लगाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सबसे तेज है। द हेयर लाफ्ड एंड सेड, यू मस्ट बी जोकिंग, बट ऑल राइट, लेट्स सी हु रीचेस द अदर साइड ऑफ द हिल फर्स्ट। रैबिट जोर जोर से हंसने लगा, वो बोला कि तुम मजाक कर रहे हो, बट ठीक है, कोई नहीं, हम रेस लगाते हैं और देखते हैं कौन सबसे पहले दूसरी साइड हिल के पहुंचेगा। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू रन, द हेयर लेफ्ट टॉर्टोइस फार बिहाइंड। दोनों ने रेस शुरू करी और जो हेयर रैबिट था उस वो बहुत तेज भागा और उसने टॉर्टोइस को पीछे छोड़ दिया। आफ्टर अ वाइल द हेयर स्टॉप टू वेट फॉर द टॉर्टोइस टू कम अलोंग। वो भागते भागते वो रुक गया रैबिट, और उसने सोचा कि मैं वेट कर लेता हूँ, उसने जीतना तो है नहीं, बट मैं उसका वेट कर लेता हूँ, जैसी वो मुझे दिखेगा मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। ही वेटेड एंड वेटेड टिल ही फेल्ट स्लीप एंड डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। वो उसने बहुत वेट करी, वो वेट करते करते उसको नींद आ गई, तो उसने सोचा कि चलो वो तो बहुत टाइम लगाएगा रैबिट, टॉर्टोइस आने में बहुत टाइम लगाएगा, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। He said to himself, "Even if the tortoise catches up with me, I can easily defeat it and win the race." उसने वही सोचा, अगर वो आ भी गया tortoise, तो फिर भी मैं उसको अच्छे से, easily, बहुत ही आसान तरीके से उसको मैं हरा दूंगा। So he lied down under a shady tree for some rest. तो वो वहाँ पे उसने एक shady tree, जहाँ पे छाव मिली उस tree के नीचे जाके वो बैठ गया और उसने rest किया वहाँ पे। The tortoise walked on slowly but steadily. जो tortoise था वो आया और वो धीरे धीरे तो आ रहा था, बट वो पहुंच गया। When the tortoise passed the hare, he was sleeping. जब rabbit उसके सामने से गया tortoise के, tortoise जब पास हुआ rabbit के सामने से, तब rabbit सो रहा था। When the hare woke up, the tortoise was close to the finishing line. जब उसकी आंख खुली रैबिट की, तो टॉर्टोइस ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया था। ही रन एज फास्ट एज ही कुड, बट ही कुड नॉट कैच अप विद द टॉर्टोइस। फिर एकदम से जैसे ही रैबिट ने देखा ये तो पहुंच गया, तो रैबिट बहुत तेज भागा, बट वो उस तक नहीं पहुंच पाया। और कौन जीत गया रेस? टॉर्टोइस, जिसको बोल रहे थे कि वो बहुत स्लो है। इसलिए इसका क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होगी कि आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए अपने अंदर, ठीक है? इफ़ यू आर गुड दैट इज़ फाइन, बट आपको ये ऐसे नहीं समझना चाहिए अपने अंदर कि आप से अच्छा कोई नहीं, तो यू नेवर नो कि कौन आप, जैसे रेस में क्या हुआ, रैबिट को बहुत
ज़्यादा प्राउड था ना, और टोटो वाइस को भी बोल रहा था कि तुम तो बहुत ही स्लो हो। बट लास्ट में कौन जीता? टोटो वाइस, क्योंकि रैबिट ने बहुत इस चीज़ को लाइटली लिया और उसको लगा कि मेरे अलावा और कोई जीत ही नहीं सकता रेस। तो अब हम इसके नीचे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर्स देखेंगे। आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, हु मेड फन ऑफ द टॉर्टोइस? टॉर्टोइस का मजाक किसने उड़ाया था? द हेयर मेड फन ऑफ द टॉर्टोइस। सेकेंड, वाई डिड दे हैव अ रेस? उनकी आपस में रेस क्यों हुई थी? दे हैड अ रेस टू सी हु इज फास्टर, देखने के लिए कि कौन सबसे तेज है। थर्ड, वाई डिड द हेयर स्टॉप ऑन द वे? वो हेयर रास्ते में क्यों रुक गया था? द हेयर स्टॉप टू वेट फॉर द टॉर्टोइस टू कम अलोंग, उसने वही सोचा कि उसको तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, फिर मैं जैसी वो आएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फोर्थ, हाउ डिड द टॉर्टोइस वॉक ऑन? टॉर्टोइस कैसे चल रहा था? द टॉर्टोइस वॉक स्लोली बट स्टेडिली। हु वॉन द रेस? रेस किसने जीती? टॉर्टोइस वॉन द रेस। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। आपने पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से करने हैं आपने। ओके, थैंक यू।